बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हक मौजूद अवां सभी के भली कार चवं थी। सुबह के आवाज़ में उम्मीद क्या थी तवा सभी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से चाक चंगा भला हों। सूमर जो दिहाड़ो है, यकीनन वीक जो फर्स्ट डे आए, इन में तमाम घना कम हों। पे तो बी आराम का काहली होंगी है, उठण से दिल ना है चवंदी, पर शायद जिंदगी में कम कार भी किर्त से भी लगण है, इन लाइ जरूरी है त अर्ली मॉर्निंग उथण की आदत हुए। नाश्तो तमाम सुठो कयो, जिनके सा सुबह की मानी चूं था, छो तो सुबह की मानी तमाम घनी जरूरी होंगी है। सजो डी वरी असें कम करण हों, बाहर जैसे असा वेंदा आयो तो घर की मानी मुमकिन न होंगी है मिलण, बाहर की मानी वरी एतरी सुठी कोन होंगी है। इन करे घर जो भी टुकुर गबो मिले वो खाई उनका कर जे अवां सजो डी एक्टिव हुजो तवा ना ही सा कम कयो। बहरहाल अज के प्रोग्राम में जो टॉपिक है अज अस कोशिश कंदासी त कुछ मजहबी हम आहंगी ते गालहाजे, अमन ते गालहाजे, भाईचारे ते गालहाजे, पंजाब ते गालहाजे। खास तौर पर पाकिस्तान उहो मुल्क है माशाल्लाह जिथे सभी मजहबन से ताल्लुक रखंदड़ मानू इते रहन था, सभी मसलकन से सभी फिरकन से वाबस्ता मानू इते रहन था। इन करे हर एक ते चाहे वो कें भी मजहब से मानू ताल्लुक रखे तो उन ते जिम्मेदारी आयद थे थी तो वो बे मजहब के मानू जो एहतराम करे, बे मजहब के जो जी इबादत गाहू आन उन्हें एहतराम करे, जो रस्मू आन उन्हें एहतराम करे, जो ईदू बरादू आन या जो भी ऋण ढिण वार आन उन्हें सभी जो ख्याल करे। पर छाए तो कहीं कहीं ये थी वो है तो इंसान ढो इंतशार जो शिकार थी वो है, अस ये न कर सूँ पर असें खपे तो अस कोशिश क्यों तो भी इतने रहन था ऐं जेके भी माशाल्लाह मज़हब इते आबाद आहिनि उन्हनि सभिनी जो असां ख़्याल कयूं, उन्हनि जो एहतराम कयूं ऐं उन्हनि खे पाण सां गॾु खणी हलूं। छो त जॾहिं हिकिड़ी स्टेट में सभई रहंदा आहिनि त पोइ उहे हिकु ई मुल्क जा वासी थी वेंदा आहिनि ऐं हिकु ई मुल्क जा शहरी थी वेंदा आहिनि। इन करे उहे सभई पाकिस्तानी आहिनि ऐं उन्हनि सभिनी सां असांखे यकीनन प्यार आहे, मुहबत आहे ऐं उन्हनि सभिनी सां भाईचारे वारो रवैयो हमेशह पाकिस्तान में रहियो आहे। बाक़ी हाणे जेके अण बराबरी वारा रवैया आहिनि उहे ॾिसो हर मज़हब में ऐं हर मुल्क में थींदा आहिनि, चाहे मां भारत जी ॻाल्हि कयां, ॿियनि मुल्कनि जी ॻाल्हि कयां त उते अहिड़े क़िस्म जा नंढा नंढा जेके मामला आहिनि उहे थींदा आहिनि। छो त असां घणे भाङे जॾहिं ॻाल्हि मज़हब जी कंदा आहियूं त पोइ इलाही मामलनि में असां शिद्दत पसंद बि आहियूं, इंतिहा पसंद बि आहियूं ऐं इहो ई कारण आहे त पोइ असां ॿिए माण्हू सां उहो रवैयो रखी न सघंदा आहियूं। इन जो वॾो कारण इहो आहे त पंहिंजे मज़हब जी ॼाण कोन हूंदी आहे। असां मुसलमान आहियूं पर असां मुंहिंजे ख़्याल में क़ुरान पाक खे सवाब जे नियत सां त पढ़ियो हूंदो पर सम्झण जे नियत सां हिन महिल ताईं कोन पढ़ियो हूंदो। किथे अलमारी जे सभ खां मथे खाने में रखियो हूंदो पर उनखे सम्झण जी कोशिशि कोन कई हूंदी त अलाह साईं हिन में कहिड़ो पैगाम ॾिनो आहे। ईअं मां ॿियनि मज़हबनि जी ॻाल्हि कयां त उते बि इहा ॻाल्हि त असां पैगाम खे सम्झूं ई कोन था। जॾहिं पैगाम नथा सम्झूं त पोइ लाज़िम आहे जेके आमिल आहिनि, बाबा आहिनि, पीर फ़क़ीर आहिनि, उहे सभई असां ते हावी थी था वञनि ऐं जेके कुझु मौलाना कुझु मौलवी अहिड़ा आहिनि जिन खे शायदि पाण मज़हब जी ख़बर कोन आहे, उन जी जेका सोच आहे उहा असां ते वधीक हावी थी थी वञे। ऐं वरी सोशल मीडिया ते जॾहिं असां अचूं था त पोइ सोशल मीडिया ते असांजा जेके रवैया आहिनि उहे ॾाढा ख़राबु आहिनि। जॾहिं पंहिंजे मज़हब जी नॉलेज नाहे, जॾहिं असांखे ॿियनि मज़हबनि जी नॉलेज नाहे, उते वेही करे असां दानिश्वरी जा फ़र्ज़ ॾाढा सुठा निभाईंदा आहियूं ऐं दानिश्वर थियण जी नाकाम कोशिशि कंदा आहियूं। त आई थिंक पहिरीं ॻाल्हि त मां चवंदी आहियां त हिन दौर में मज़हबी मामलनि में पओ ई न। जेको मज़हब तव्हांजो आहे, जेको अक़ीदो तव्हांजो आहे या जंहिं मसलिक खे अवां मञो था उहो अव्हांजो आहे, अव्हां उन जा पैरोकार रहो पर ॿिए जे मामले में इंटरफेयर न कयो। छो त मज़हबी मामला ॾाढा संजीदा बि हूंदा आहिनि ऐं ॾाढा पेचीदा बि हूंदा आहिनि। पेचीदा इन करे आहिनि छो त नॉलेज कोन आहे। हालांकि को बि मज़हब ॾुखियो कोन आहे ऐं को बि जेको मज़हब आहे उहो ख़राबु कोन आहे। सभई मज़हब तमामु सुठा आहिनि ऐं सभई जेतिरा बि मज़हब आहिनि दुनिया में मां सम्झां थी उन्हनि सभिनी जो जेको सभ खां पहिरियों दर्स आहे उहो इंसानियत जो दर्स आहे, उहो मुहबत जो दर्स आहे, उहो अमन जो दर्स आहे। अवां को बि मज़हबी किताबु खणी ॾिसो उते अव्हांखे नफ़रत कोन मिलंदी, उते अव्हांखे क़त्लो ग़ारत जो दर्स कोन मिलंदो, उते अव्हांखे इंतिशार या इंतिहा पसंदी जो दर्स कोन मिलंदो। उते जेका बि ॻाल्हि छो त मूं तक़रीबन सभई किताब पढ़िया आहिनि, मुंहिंजे घर में अलहमदुलिल्लाह पंहिंजो मज़हबी किताब बि आहे, ॿियनि मज़हबनि जा जेके किताब आहिनि उहे बि मौजूदु आहिनि त उहे ओतिरी एतराम सां रखियल आहिनि। छो त मज़हबनि जो एतराम असां ते लाज़िम आहे, बाक़ी अक़ीदा मुख़्तलिफ़ थी सघनि था। त अॼु कोशिशि कंदासीं कुझु इन्हनि शयुनि ते ॻाल्हायूं त असां छो एतिरा एक्सट्रीमिस्ट थी विया आहियूं ऐं छो असां एतिरा इंतिहा पसंद थी विया आहियूं, अमन वारे पासे ॾे असांजा लाड़ा छो घटि आहिनि। टाइम आहे हिते ब्रेक जो, ब्रेक ॾांहुं वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ वरी अव्हां जी मुलाक़ात मौज़ूज़ महिमाननि सां कराईंदमि ऐं कचहरी खे असां अॻिते वधाईंदासीं। असां सां गॾु रहिजो।
व्यूवर्स वरी मां सभिनी खे भलीकार चवां थी सुबुह जे आवाज़ में शुरूआती ॻाल्हि ॿोल खां पोइ हाणे बाक़ाइदा असां इन ई सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं त जंहिं अमन जी असां ॻाल्हि कयूं था छा वाकई असां एतिरा अमन पसंदि आहियूं असांजा जेके दिमाग़ आहिनि जेके ज़हन आहिनि छा उहे बि एतिरा ई पीसफुल माइंड आहिनि या उन्हनि में बि किथे न किथे इंतिशार ॿियनि शयुनि खे वठी करे हले थो त इन्हनि सभिनी मामलनि ते अॼु कोशिशि कंदासीं त कुझु नज़रसानी कयूं ऐं पहिरीं जेका शख़्सियत आहे जंहिंसां मुंहिंजी मां मुलाक़ात कराइण वारी आहे हिन पासे ॾे मौजूदु आहिनि माशाल्लाह चेयरमैन आहिनि पाकिस्तान बिशप काउंसिल जा ऐं मर्कज़ी चेयरमैन आहिनि मिनोरिटी अफेयर्स क़ौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी भलीकार चवां थी बिशप खादिम भुट्टो साहब क्या अस्सलाम वालेकुम कैसे मिजाज हैं आपके सर खैरियत से हैं जी आप सुना ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत शुक्रिया कि आपने अपना खास टाइम दिया आपको खुश आमदीद कहते हैं आपसे बातचीत करेंगे व्यूवर्स उन पास नज़र विझा तो माशाल्लाह तमाम सुठे आवाज़ जो मालिक हैं तमाम सुठी शख्सियत जो मालिक फनकार मौजूद है डॉक्टर आशिक राजपुर अस्सलाम वालेकुम अवां खे भली कार चवां थी कीअं आहियो ठीक आहियो ऐं बिल्कुलु ठीकु लख थोरा मां जा जो अवां हिते कई आहियो ऐं व्यूवर्स टीं जेका शख़्सियत आहे माशाल्लाह फनकार बि अॼु मौजूदु आहे ऐं शाइर बि मौजूदु आहे त कुझु शाइरी जो तड़को बि हिन प्रोग्राम में हूंदो भली कार चवां थी अशफाक शम्स पहियार साहब खे अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो ठीकु आहियो ख़ैरियत सां ऐं थैंक यू सो मच बिल्कुलु ठीकु अवां हिते कई आहियो हिन पासे ते हाशिम हुसैन मौजूदु आहे अवां खे भली कार चवां थी वॾा वॾा मुंहिंजा जो अवां बि हिते मौजूदु आहियो जी व्यूवर्स सिलसिले खे असां अॻिते वधाईंदासीं ऐं बिशप खादिम भुट्टो साहबु मौजूदु आहे सर माशाल्लाह आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान बिशप काउंसिल के तो सबसे पहले तो कुछ उसके हवाले से बताइएगा कि क्या काम है जो ये काउंसिल सर अंजाम देती है एक्चुअली पाकिस्तान बिशप काउंसिल एक काउंसिल है मजहबी रहनुमाओं की ओके जो बिशप्स लेवल के हैं पूरे पाकिस्तान से वो नुमाइंदगी देते हैं जी और जहाँ पर भी कोई कम्यूनिटी मसाइल्स होते हैं या मुल्की सतह पे सूबाई सतह पे तो हमारी काउंसिल उसकी नुमाइंदगी करती है और मजहबी तौर पे और ना सिर्फ इलाके सतह पे ये सारे मामलों को देखती है और मैं उसका मरकजी चेयरमैन हूँ माशाल्लाह और जितने भी हमारे मामलात होते हैं और उसको हम देखते हैं हमारा कैपिटल ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है और मैं इस्लामाबाद में भी होता हूँ और हर दूसरे तीसरे महीने में वहाँ पर जाता रहता हूँ तो पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं इसमें नुमाइंदा हैं और तकरीबन 28 के करीब जो बिशप साहबान हैं वो इस काउंसिल के मेंबर्स हैं उहदेदार हैं और अपने अपने इलाकों में शहरों में वो इस काउंसिल की नुमाइंदगी कर रहे हैं माशाल्लाह उसके बाद फिर आप मरकजी चेयरमैन हैं मिनोरिटी अफेयर्स कौमी अमन कमेटी बराए बैन अल मज़ाहिब जी तो मैं तो इससे पहले इस तंजीम के हवाले से बात काफ़ी कर चुकी हूँ और मैं काफ़ी कुछ जानती भी हूँ मगर व्यूवर्स भी यकीनन जानना चाहेंगे कि इसका क्या काम है और क्या खिदमात है एक्चुअली जो कौमी अमन कमेटी है ये बैन अल मज़ाहिब तौर पर काम करती है मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को इकट्ठा करके प्रोग्राम्स करके न सिर्फ ये हुकूमती सतह पे है बल्कि सूबाई सतह पे भी है और इलाकाई सतह पे भी है और हमारी जो अमन कमेटी है इसमें तकरीबन हर मज़हब रंगो नस्ल मसलक के लोग मौजूद हैं माशाल्लाह और हमारे प्रोग्राम्स अक्सर टीवी चैनल्स पे भी होते हैं और मुल्की सतह पे भी होते हैं और हम इस बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी मज़हब है वो हमें नफ़रत नहीं सिखाता है बिल्कुल नहीं सिखाता वो हमें प्यार मोहब्बत सिखाता है और नफ़रत का जो उज्व है वो किसी भी मज़हब का जो है वो हथियार नहीं है नहीं है बल्कि हर मज़हब जो है वो एहतराम और मोहब्बत सिखाता है बेशक ठीक है तो हमारे प्रोग्राम्स करने का मतलब ये है कि ताकि लोगों तक एक पैगाम जा सके कि जितने भी मज़ाहब हैं ये एक दूसरे का एहतराम करते हैं और मोहब्बत की रूह से एक दूसरे के साथ बैठते उठते और चलते हैं बेशक क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई सालों से हम लोग दहशतगर्दी का शिकार हैं और वो दहशतगर्दी मजहबी तौर पर ज़्यादा हुई है जहाँ पर यानी कि चर्चिस को निशाना बनाया गया मसाजिद को निशाना बनाया गया मंदिर महफूज नहीं मंदिर महफूज नहीं थे इमाम मार गए और इस तरह से जब हम लोग अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो लोगों तक जो है वो एक मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम नहीं जाएगा सही क्योंकि बीइंग अ क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू सिख सब लोग पाकिस्तानी हैं और हम लोग बचपन ही से यानी कि हमारे अबाव जदाद पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं
और हम एक दूसरे के साथ कभी भी नफरत की फिजा में हम पले बड़े नहीं हैं, बल्कि हम तो प्यार मोहब्बत के फिजा में पले बड़े हैं और एक दूसरे के साथ भाईचारे वाली फिजा में कायम करते आए हैं। और पता नहीं ये किस सोच के लोगों ने हमें ये निशाना बनाया है और कत्ल व गारत का ये बाजार गर्म कर दिया, दहशत गर्दी को हमारे मुल्क में जो है वो राइज कर दी। और अब खुदा का शुक्र है कि कुछ सालों से अमन और फिजा जो है वो कायम हुई है, और खुदा का शुक्र है कि हम लोग अब अमन और सुकून से रह रहे हैं। और इसमें हमारी हुकूमतों को और पाकिस्तान की आर्मी को बड़ा जो है वो क्रेडिट जाता है, कि जिन्होंने इस मौजू को जो है इस टॉपिक को जो है बड़ा सीरियस लिया और आज हम अमन से चैन से जो है सुख की नींद सो सकते हैं। सही, और मैंने अपने इंट्रो में यही बात कही कि जहाँ हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं, हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं और तकरीबन सारे मज़ाहिब यहाँ पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर मोहब्बत की जो फ़िज़ा है वो मेरे ख्याल से कि बहाल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक दूसरे के मज़ाहिब का हम एहतराम कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान में किया भी जाता है, आप इस बात से मुत्तफिक हैं? जी बिल्कुल, है ना, कि पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह इवन हम लोग मंदिर भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, क्योंकि मज़हब वही बात है कि मोहब्बत सिखाता है। कोई भी मज़हब आपको नफ़रत नहीं सिखाता या कत्ल गारत नहीं सिखाता। जितने भी इवेंट होते हैं हमारे मुस्लिम भाइयों को, जैसे ईद उल मिलादुन नबी है या दूसरे इवेंट्स हैं, तो मैं वहाँ पे मुझे दावत दी जाती है, मैं जाता रहता हूँ, सेमिनार्स में जाता हूँ, इवन के मैं प्रीच करता हूँ जाके वहाँ पे, लेक्चर देता हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाकर। तो हमारा सिर्फ यही मकसद है कि स्कूल कॉलेज की सतह पे जो है बैनुल मज़हब एक ऐसा सब्जेक्ट दिया जाए जिससे तमाम मज़हब की जो है वो नुमाइंदगी हो, उनके बारे में जो है पता चला जाए कि इर्द हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो क्या अकीदा रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं और क्या उनके यानी के विचार हैं। ठीक, तो जब तक हम किसी को ये सिखाएंगे ही नहीं तो वो नफरत की फिजा में पलता रहेगा। सही, ठीक है। और आपको पता है कि एक्सट्रीमिज्म में ये यही हुआ है कि सिर्फ एक ही चीज़ को आगे करके दूसरों को जो है वो निशाना बनाया जाता रहा है। तो इसीलिए जो कौमी अमन कमेटी का जो किरदार है वो यही है कि नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बत को उजागर किया जाए, ताकि जो दूरियां हैं मज़हब में लोग जो पैदा कर दी गई हैं, हालांकि है तो नहीं है, नहीं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि मैं हुकूकुल इबाद माफ नहीं करूँगा, हुकूक अल्लाह कर सकता हूँ, यानी कि अपने हक माफ़ कर सकता हूँ लेकिन बंदों के नहीं कर सकता। बंदे में कोई मज़हब मेंशन नहीं किया कि जी मैं इसका करूँगा उसका नहीं करूँगा। अब इंसान को मजहबी तौर पे पैदा नहीं किया गया था, हाँ, कोई नहीं, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं होता है और ये आपको पैदा कर दिया गया है, ठीक है, ऐसा नहीं था। अब क्योंकि हम किसी ना किसी मसलक से, किसी ना किसी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जुड़ जाते हैं, तो हम उसी सोच को परवान चढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि दूसरा क्या सोचता है उसको हम यानी कि इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। जबकि हम अगर हम वाकया ही अपने मजहबी अकायद को अमली तौर पर जमा बनाएं तो कभी भी हम नफरत की फिजा को कायम नहीं कर सकते, बिल्कुल आपने कभी भी किसी से नफरत नहीं कर सकेंगे। और क्रिश्चियनिटी में तो आपको पता है कि नफरत का कोई उनसर ही नहीं है, ठीक है, और हम तो खुदा को मोहब्बत मानते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा मोहब्बत है, और जो खुदा को मानता है वो समझे कि इंसानों से प्यार करता है, इंसानों से मोहब्बत करता है, क्योंकि खुदा अगर मोहब्बत का दर्ज देता है और आप में मोहब्बत नहीं है तो आप बेसिकली आप अपने मजहब को भी रिप्रेजेंटिंग नहीं कर रहे, बल्कि मैं कहती हूँ कि आप अगर अच्छे इंसान नहीं बनते तो आप किसी मजहब से नहीं हो सकते। आप खुदा को अगर मानने का दावा करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि सबसे पहले इंसानियत है, बाकी चीज़ें बाद में आ जाती हैं। तो बहरहाल मज़ीद मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूँगी। अगर हम शायरी की बात करें तो फिर शायरी एक और मोहब्बत की दास्तां, मैं कहती हूँ कि शायरी में एहसासों को बड़ी खूबसूरती से कलमबद्ध किया जाता है, और किसी गज़ल की सूरत में, हाँ, किसी नज़म की सूरत में, बेशक अदा कुछ बुधा जो भला कहड़े किस्म की शायरी अजकल लिखो पाया, कहड़ी सिरझे पई अजकल जो दौर हले पो, वो तो तमाम घनी अजकल ओवर शायरी पे हले, हाँ हाँ, पर मां जो लिखो आया कोशिश कन्ो आ तो सुठो लिखा मुझे रूहानी उस्ताद
गुलाम कादर घायल अच्छा ठीक जी तो उन्हें का इम्प्रेस आयो जी उन को मुतासिर आया मु ही जको अजकल जी मानो बे जी गाल ते लगी तकड़ में के पान एडे वे जड़ाए पारे रिश्ते के मानो ही विसारे तो उन लाए मु पंज सिटू लिखियो ते के मा ता बुधा दो मैं जरूर चाहिंदम तो बुधो मा का गालियों करे कुछ गालियों क्लियर करे बाकी के जी गाल ते ता सही माने ये गिला गिबत न करे सिंपल ये गाल है ठीक सो इरशाद कयूं हई जे गालियों सचूं तू करी हा वाह वाह एडी उन संगत में पो विथियों तू करी हा आए है कई का जे गलती सजण हिकड़ो भेरो सदे पान में तू करी हा निबेरो वाह वाह सभी गालणियों जे अछूं तू करी हा एडी उन संगत में पो विथियों तू करी हा वाह 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 तमाम सुठो ख्याल माशाल्लाह ए उम्मीद आ है त व्यूअर्स के अमा जो ख्याल पसंद आयो हुंदो डॉक्टर साहब अजकल भला छा पियो थे माना म्यूजिक में म्यूजिक असल में म्यूजिक मुझे शौक है प्रोफेशनल द डॉक्टर है तनी मैं डॉक्टर साहब चाहे कोशिश कंदो आया तो टाइम दिया पर असल में सच्ची गाल ये है तो कौन था दे सकू जे डण खपे सही हां बस पर पो भी माशाल्लाह मु डठो है तो नवा नवा गीत मा जे प्या इंदा है वक्त हां बस कोशिश है तो हाने भला घणा गीत आया है पो इंटरव्यू में तो चंगो एल्बम शल्बम तैयार थी वियो हां बियो बे एल्बम करायो है बियो बे एल्बम पूरो तैयार थी वियो माशाल्लाह तो माने आज जे को बुधाइंदो वो सब कुछ नवो होंदो हाँ एक पुरानी एक गजल है मां वो ताज करे रखे हो ताज जो राज जो डाडो सो वो रखे हो बाकी भी नहीं ठीक है राज राज पर जे तमाम सुठो शायर है माशाल्लाह ए घणे भांगे फैज साहब जी शायरी भी वहां गाईदा हो मतलब शायर के पसंद है वधिक ता के यकीन दुखियो सवाल है उस्ताद बुखारी मुख डाडो वणंदो है ठीक है तमाम ऐसा सूफी रंग घणो गाईदा हूं सचल साईं बेदिल साईं तुराब साईं एजा साईं सही माशाल्लाह यह तमाम सुठी गाल है जो छो तो सूफीज़म में वरी मोहब्बत जिगड़ी अलग किस्म सा प्रचार थल है उन में भी कोई भेदभाव को ना है जैसा आम फलसफन में करे था वनो अमा घायल साहब का मुतासिर आयो या इन के अलावा भी कोई शायर है जैन का मुतासिर आयो जी गुलाम कदर घायल उनन का माने सब का पसंदीदा हां उस्ताद बुखारी शौक सा पढ़दा आयो बाकी जी मा त पंजो मैच्योर जी माइंड मुझे थियो आ त मा गुलाम कादर घायल का ही को मुतासिर रहयो ठीक है ये अब तमाम सुठी गाल है हो जन भी ए खपे सर शायरी से शगुफ रखते हैं आप जी जी जरूर क्या पढ़ना पसंद करते हैं और कौन शायर आपको ज्यादा पसंद है इलामा इकबाल माशाल्लाह मतलब वो शाहीन वाली परवाज जो है वो आपको ज्यादा मुतासिर करती है क्योंकि एक तो हमारे कौमी शायर हैं बिल्कुल कोई शक नहीं और दूसरे जब भी आप उनकी शायरी को पढ़ें तो उसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है क्योंकि उनकी शायरी जो सिर्फ शायरी तक नहीं है बल्कि वो एक सबक भी है बेशक और आज भी आपको पता है कि अगर उनकी शायरी को एक गाया जाता है और जदीद तौर पर भी इसको लिया जाता है और मेरे वो पसंदीदा शायरों में से एक हैं सही माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है अच्छा आजकल बच्चों के अंदर चूँकि आपके माशाल्लाह स्कूल्स भी काफ़ी हैं जी जी अब मैंने सुना है तो बच्चों के अंदर किस तरह के रुझानात मज़ाहिब को लेकर पीस को लेकर आप देख रहे हैं आजकल एक्चुअली मैं पिछले दिनों हदीब यूनिवर्सिटी में मैंने एक लेक्चर दिया था यही बैनुल मज़ाब हमांगा हंगामे के उसमें हमारे हिंदू पंडित साहब थे और शिया मसलक से फिर सुन्नी मसलक से लोग थे जिन्होंने स्पीच किया तो स्पीच का जो मकसद था वो यही था कि सिर्फ इस बात को उजागर नहीं किया जाए कि पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम के ही लोग रहते हैं मुसलमान अगर ज़्यादा हैं तो ठीक है लेकिन जो दूसरे मज़ाहब हैं जो कम हैं उनको तो ज़्यादा यानी कि अहमियत देनी चाहिए बिल्कुल क्योंकि घर में अगर कोई छोटा होता है ना तो उसे ज़्यादा प्यार करते हैं सही लेकिन अलग से मैं समझती हूँ कि कम हैं मगर उनकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं पाकिस्तान के अंदर और उनको पाकिस्तान से अलग किया ही नहीं जा सकता जी तो अब मैं दुनिया के कई ममालिक में जाता हूँ तो हमारी जो रिप्रेजेंटिंग है वो बेंगा एक पाकिस्तानी होती है ठीक है बाद में हम बताते हैं कि भी हम ये इस मज़हब से क्रिश्चियन है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम पाकिस्तानी हैं और हमारा मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान को प्यार करते हैं ठीक है तो इसलिए अगर पाकिस्तानी होते हुए हम एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करेंगे तो फिर हम पाकिस्तानी भी निकल आने के लायक हैं ऐसा बिल्कुल और मज़ीद मैं इसी टॉपिक को आगे लेकर चलूँगी आपसे मज़ीद बातचीत होगी व्यूवर्स टाइम आए थे ब्रेक जो ब्रेक ना वधना से ब्रेक का पोए
सिलसिले के असं बीहर जोड़ींदासीं ऐं कलाम बि ॿुधंदासीं फ़नकार खां। मिलूं था ब्रेक खां पोइ। जी व्यूवर्स, वरी मां सभिनी खे भलीकार चवां थी। भलीकार चवण सां गरुगर मां चाहींदमि त डॉक्टर आशिक राजपर हिते मौजूदु आहे, उन्हनि खां कलाम ॿुधिजे ऐं उन खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल जे सिलसिले खे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं। डॉक्टर साहबु, कलाम थी वञे। हा बिल्कुलु, राज राजपर जो गज़ल आहे, ॾाढो बहितरीनु कंपोज़िशन आहे। ठीकु आहे, सभु मौसीक़ी सुनते हैं और उसके बाद फिर बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। जी Thank you.
बावन कमल को की न कुमारो तो जीवन की है कुमारो तो जीवन मुक्तसर है वाकई जीवन डाढो मुक्तसर है लगंदो है त एकड़ी ड्रगी हयाती है पर मां समझे अख छिंब जी रांद है जीवन पर बहरहाल तमाम सुठो ख्याल राज पर जो तमाम सुठो अंदाज वरी अमा जो मन की मोयो इन कलाम उम्मीद है तो व्यूवर्स के भी पसंद आए होंगे। सच में बात ये थी कि जीवन बड़ा मुख्तसर सा है, ऐसा है जी। आप क्या समझते हैं, आपका ओपिनियन क्या है जिंदगी को लेकर? एक ही बार मिलती है और अगर आप इसे खुदा के हिसाब से जी लें तो अच्छी बात है, क्योंकि इंसान को हर मज़हब जो है वो खुदा के हिसाब से जीना सिखाने की कोशिश करता है, यानी कि एक माबूद। जी जी, मतलब कि कुरान मजीद में देख लें तो लिखा है कि जो अमलों का दारोमदार है वो नेकियों पर है, नेकियों पर है, ठीक है। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नेक काम करने से बाज ना हो, ठीक है। तो इंसान को एक अच्छा मकसद दिया गया है जीने का, और अगर इंसान दुनिया में बेमकसद अपनी ज़िंदगी गुजार कर चला जाता है तो दर हकीकत वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं जाता। आपको अगर खुदा ने इस दुनिया में पैदा किया है तो बेमकसद पैदा नहीं किया है, बेशक, ठीक है। अब कई ऐसी मिसालें हैं कि कई लोग गरीब के घर में पैदा हुए हैं लेकिन वो करोड़ोंपति होकर इस दुनिया से हुए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जीने का मकसद बनाया है। अब अगर अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे वो एक किसान के घर में पैदा हुए लेकिन उन्होंने एक मकसद पर लिया और फिर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। इसी तरह हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारी शख्सियत हैं जिनकी मिसाल हम दे सकते हैं कि उन्होंने जीने का मकसद बनाया, जिसमें अब्दुल सत्तार रिदी साहब हैं, बहुत बड़ा मकसद है। डॉक्टर रुतफा हुए, इन्होंने इंसानियत को दर्जा दिया, इंसानियत को जीने का मकसद बना लिया। तो इसी तरह हम सब जो हैं वो किसी न किसी मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो इसीलिए अगर ये ज़िंदगी जो है थोड़ी है, ठीक है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला, बिल्कुल ठीक है, ये चंद रोज़ा है, ठीक है। और जब आपको पता है कि एक चीज़ मेरे पास मुख्तसर है तो फिर हमें उसे अपने जीने का मकसद भी बनाना चाहिए कि हम इस मुख्तसर वक़्त में एक अच्छा किरदार अदा करके जाएं, और वो किरदार ना सिर्फ आपके फैमिली के लिए होता है, आपके शहर के लिए, इलाका के लिए होता है, बल्कि मुल्क की सतह पर भी होता है, क्योंकि कई लोग हमारे जो हैं वो सिर्फ ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए मिसाल के तौर पर वो एक फ़ख्र का बायस होते हैं, क्योंकि कई लोगों को हम पूछते हैं तो वो कहते हैं जी मेरी माँ जो है मैं वो मेरी फर्स्ट टीचर थी, और इस तरह से यानी कि मिसाल है हमारे लिए। तो इसी तरह हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो जिनको हम पैसों के हिसाब से तो नहीं जीने का देखते कि ये अमीर है और यानी कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो गुर्बत में भी खुदा के लिए और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीने का मकसद बनाया है। अब अगर अब्दुल सत्तार रिदी को देखें तो ये एक रोड से उठे और फिर यानी कि अभी तक ये सारा सिलसिला दिया, और दुनिया में सबसे बड़ी जो एम्बुलेंस सर्विस है वो पाकिस्तान की है, बिल्कुल, जो अब्दुल सत्तार रिदी ने, और ये एक बड़ा नाम है और एक बड़ा काम है जो यानी कि जिस पर हम फख्र कर सकते हैं कि पाकिस्तान की अगर कोई एम्बुलेंस सर्विस है तो वो दुनिया में सबसे बड़ी है। ठीक, बल्कि उनका एक कारनामा मैं ज़रूर यहाँ पर बताना चाहूँगी कि जो ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते जी जी जी। या जिनको अपनाने से इनकारी होते हैं, तो अब्दुल सत्तार रिदी ने कहा कि जहाँ भी कहीं फॉर्म फिल किया जाए किसी स्कूल में किसी जगह पे तो वालिद के खाने में मेरा नाम लिखते हैं जी। तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी खिदमत इंसानियत की कोई नहीं हो सकती कि जिसको अपने सगे माँ बाप ठुकरा दें, आप उसको अपने औलाद का दर्जा दें उन बच्चों को, तो मैं समझती हूँ कि उनके मध्य मुकाबले तो कोई हो ही नहीं सकता, या ऐसी शख्सियात सदियों में कहीं जाके पैदा होती जी। मेरी उनसे बड़ी मुलाकात हुई है और बिफोर डेथ मैं उन पे दुआ करने के लिए गया था एक हफ्ता पहले जी जी। तो जब मैंने अपना तारफ कराया कि मैं एक बिशप हूँ और आपके लिए दुआ करने आया हूँ तो आप हज़रत ईसा को जान दें, उन्होंने कहा कि मैं सबको यानी कि मानता हूँ, इंसानियत मेरा दर्ज अव्वल दर्जा है और
मैं उनके सामने भी दुआ करने के लिए तैयार हूँ। फिर एक तस्वीर है मेरे पास, तो वो बड़ी वायरल हो गई थी जब वो दुआ कर रहे थे और वो भी दुआ कर रहे थे। तो बेसिकली जो इंसानियत है ये हमें एक बामकसद जीने का जो है दर्स देती है। ठीक है, क्योंकि इंसान को बहैसियत इंसान ही पैदा किया गया था, उसे मजहबी और समाजी और दूसरे तीसरे यानी कि जितने भी डब्बे हमने बना रखे हैं वो पैदा नहीं किया गया था। ठीक, ये बाद में हमने खुद ही अपने ऊपर वो रूप ले लिए और फिर हम उन्हीं के मुताबिक दूसरों को भी जीने का दर्स देते हैं। 4-5 साल तक तो बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, उसका अकीदा आगे जाके क्या होगा या उसको किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो मतलब हम तो कोरा कागज पैदा होते हैं, बाकी सारी तहरीरें तो दुनिया में आके हमारे ऊपर लिखी जाती हैं या हम लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारे घर वाले लिखना शुरू कर देते हैं। ट्रू, ठीक है भाई, आपको स्कूल में जाना है, फिर स्कूल वाले हमें यानी कि दर्स देना शुरू करते हैं। तो इसी तरह इंसान जैसे जैसे सीखता है फिर बढ़ता चला जाता है। लेकिन जब आप खुद सोचने के काबिल हो जाते हैं और उस पर अमल करने के काबिल हो जाते हैं तब आपकी जिंदगी का एक सुनहरा दौर शुरू होता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बचपन से तो आप दूसरों की उंगली पकड़कर दूसरों के काम को बजावरी करके अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जब आप खुद सोचने के काबिल हो जाते हैं, खुद उस पर अमल करने के काबिल हो जाते हैं कि क्या चीज़ मेरे लिए अच्छी है क्या बुरी है, तो तब आप एक अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं, बुरी जिंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। तो ये सारी चीजें फिर अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आप सोचते क्या हैं और आपके नज़रियात क्या हैं। शायरों के नज़रियात बड़े ही कमाल के होते हैं और इतनी बड़ी बात को भी इतनी सी लाइन में कैद कर देते हैं। मतलब मैं कभी कभी लगता है कि दो लाइंस वाले जो अशआर होते हैं लगता है कि पूरी कहानी इसी में कलम बंद कर दी। सो शायरी जब भला गुर कंखा सीखा जो लाजिमा हिकड़ो तो इल आहे आमत आहे पर वरी भी सीखण भी ज़रूरी होंद है तो हाँ इन घाड़े ठकी आया मुरीद कीरियो मुरीद कीरियो उन्हें तक बुधायो तो जी नज़म चाहे गज़ल चाहे जी सही तो सिर्फ गीत ते ही वधिक फोकस आहे या बियो सिनफू बिन मल मां कुछ टाइम उर्दू अदब में भी पढ़े होया। अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर में। ठीक जी सही, तो उते शायरी उते भी मतलब शायरी बारा ही लाड़ा हां इन जे करे शायरी जो शौक हो इन जे करे तमाम सुठी गाल तमाम सुठी गाल। व्यूअर्स टाइम आहे ते ब्रेक जो ब्रेक ना वधो था ब्रेक का पोस्ट से के सा बीहर अगते जोड़ींदासी दिसना रह जो सुबह जो आवाज वरी मां सभी के भलीकार चवं थी सुबह के आवाज़ में तमाम सुठी एकड़ी मां समझा थी तो वक्त आए थी कचहरी असानी हले पे जेका खास तौर से यूथ के समझने की जरूरत है तो जै मुल्क में असा रहूँ था जो शुरुआत में गाल कई तो इतने माशाला सभी मजहबन से वाबस्तगी रखंदड़ सभी मसलकन से वाबस्तगी रखंदड़ सभी फिरकन से वाबस्तगी रखंदड़ मानू इतने रहन था तो असें कोशिश करण खे तो अस मुल्की हैसियत से रहूँ पाकिस्तानी बणजी रहूँ एक बे से मोहब्बत क्यों प्यार क्यों अमन से रहूँ भाईचारे से रहूँ। सर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती कि ये एक्सट्रीमिस्ट जो दिमाग है वो पैदा क्यों कर होते हैं। आप भी इंसान हैं मैं भी इंसान हूँ। अब मज़हब तो मेरे ख्याल से कि बहुत बाद में डिस्कस होते हैं कि जी आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये कहाँ से चीज़ें पैदा होती हैं जो नेगेटिव थॉट्स हैं। एक्चुअली जब किसी चीज़ को जब क्योंकि बच्चा पैदा होता है तो पहली दर्सगाह जो है उसका अपना घर होता है। अपना घर बिल्कुल, उसकी माँ उसका बाप और बहन भाई और पूरी जो फैमिली है वो उसे कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, पहले तो सबसे पहले तो उसे सिखाया जाता है कि आपकी माँ है पापा है या दूसरे भाई बहन है ताकि उसको पहचान हो। ठीक है कि ये कौन उसके बाद 5 साल तक तो समझे कि वो यही चीज़ें सीखता रहता है। फिर जब बच्चे को दीनी दरसगाह के लिए या तलीमी तौर पर दूसरी चीज़ों के लिए भेजा जाता है तो यहाँ से ये काम शुरू होता है। ठीक है, अब क्योंकि एक चीज़ को एक त्वातर से अगर उसे समझाया जाए तो बच्चा एक्सट्रीमिस्ट नहीं हो सकता। उसे पता है कि मैं किस मज़हब से हूँ और मुझे किस मज़हब के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, लेकिन जब हम उसे
दूसरों से नफरत करने का बीज बोने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सट्रीमिस्ट होता है, इंतहा पसंद बन जाता है। वो समझता है कि जो कुछ मुझे सिखाया गया है वही सब कुछ से बेहतर है, वही ठीक है, बाकी यानी कि सब गलत है। तो ये एक नफरत का बीज जो है वो बोया जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो मेरे ख्याल में कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, क्योंकि अगर इंटरफेथ हारमोनी का एक नसाब बचपन ही से सब जगहों पर नसाब कर दिया जाए तो मेरे ख्याल में कोई किसी को नफरत का बीज बोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी मसीहत में क्या है, हिंदुइज्म क्या है, इस्लाम क्या, सिखिज्म क्या है, इस्लाम क्या है, और हर मज़हब का लोग, सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान ही नहीं पढ़ेंगे उसे, वो जितने भी लोग हैं, जितने भी स्कूल्स हैं हमारे जहाँ पे क्रिश्चियंस पढ़ते हैं, हिंदू पढ़ते हैं, सिख पढ़ते हैं, और दूसरे हमारे जो रिलीजन्स हैं वो पढ़ते हैं, तो वो सबको पता चलेगा। अब क्योंकि मैंने जब मैट्रिक की थी तो उस वक्त मैंने इस्लामियत रखी हुई थी, हम बचपन से ही दिन याद पढ़ते आए, और अब भी कई इस्लामियत की किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ, और कई जो कुरान मजीद तक यानी कि उसको पढ़ा और देखा कि भी अपने नसीहत के लिए, तो अब अगर इस्लाम को ले लें या मसीहत को ले लें या दूसरे मजहब को ले लें, तो कोई शख्स ये दावा नहीं करता कि जी आपका मजहब जो है वो कमतर है, क्योंकि खुदा ने किसी भी मजहब को कमतर या बड़ा नहीं बनाया। उन्होंने सिर्फ एक मशले राह बनाया कि जिस कौम में जो पैगंबर या नबी आया उन्होंने खुदा का पैगाम उस कौम को दिया, ताकि वो कौम जो है खुदा के हकाम पर अमल करे, खुदा के हकाम को जाने और दूसरों से मोहब्बत करे। क्योंकि आपको पता है कि जितनी अगर हिस्ट्रिकली पढ़ें तो आपको इस्लाम में जो है लोग बच्चियां जब पैदा होती थी तो वो या तो उन्हें जिंदा दफन कर देते थे या नेजे पर रख के उसने मार देते थे। ठीक है, तो अब उस कौम को सिखाने के लिए किसी की ज़रूरत थी, किसी पैगंबर को भेजा गया। इसी तरह हज़रत ईसा को, हज़रत यीशु मसीह को जो है वो इसराइली कौम में भेजा गया। तो इसी तरह जितने भी अंबिया इकराम यहाँ पर आए हैं दुनिया में, तो उन्होंने अपनी अपनी अकवाम को जो है खुदा का पैगाम दिया है, और जो नबी है ये खुदा और लोगों के दरमियान जो है एक दरमियानी कहलाता है, ताकि वो मोहब्बत है, जी जी मोहब्बत की, जी जी, ताकि वो खुदा का जो पैगाम है वो लोगों को दे और खुद लोगों की जो बात है वो खुदा तक पहुँचाए। ठीक, बड़ी खूबसूरत बात आपने कही, और यही तो गाल व्यूवर्स माँ भी समझाने की कोशिश कर दी आया हमेशा। ऐसो फर्ज कहो, एक सिंपल मिसाल है, रोड ते कहो एक्सीडेंट थे तो अवा छा कंदो? माना पहरियों असा यकीनन उन का न पुछंदासीं तां केर आयो, तां मसलिक केड़ो आए, तां मजहब केड़ो आए। पहरियों इंसानियत जो फर्ज यो आए तो उनके हॉस्पिटल पहुँचाया वने, इंसानियत जो फर्ज यो आए तो उनकी जिंदगी बचाई वने, इंपॉर्टेंट इंसान आए, यह गाल जहन में रखो। बाकी जो शूं आन वो इंसान के जिंदगी गुजारण जहाँ गसा, जिंदगी गुजारण जहाँ तरीका आन, जिंदगी जो फलसफो समझाने जला ही बाकी शूं, तो बाबा तुम जी हिं हल तो उनको नतीजो ये है, जैसे हिं कौ तो उनको नतीजो ये है। जैसे असि अमर समझाइंदी है, बाबो समझाइंद है, तो बाबा हाँ हिं कौ तो हिं थी पव, हिं कौ तो हिं थी पव, हाँ चॉइस तहाँ की है, तुम कड़े पास वनो था। तो जे भी किताब आन, जी आसमानी किताब आन, उन में इो दर्स है, तक ब रस्ता मिलन था, सही है गलत है, यानी कि हक है बातिल है, इट्स अप टू यू, तुम कें चूज करा, जो अव चूज क उनके सजा ए जजा जहाँ जिम्मेवार अव पा हों, छो तो ब रस्ता ऑलरेडी तक मिली चुका है। दुनिया में बई शूं, टों को रस्तो मिले ही को अवे, तो या तो हक के राह से हलो या तो उन राह से हलो जो तक हक का भटकए थी, पर नतीजन जो जिम्मेवार इंसान पा है। वे अफसोस से अस उन जिम्मेदारी अल्लाह से आयद कह, तो ये जो गलत थो है वो अल्लाह के कर, न वो इंसान के पाँच कर्मन के करे है। घने भांगे जो असंगे फल है वो इन दुनिया में मिली वो सही हो या गलत हो, तो वो असाते दारोमदार करे तो जिंदगी के क्या गुजारियों। बहरहाल इन पास दे डॉक्टर आशिक राजपुर भी मौजूद है। भला इंसानियत की गाल हली पी, इन में एक सूफी बुजुर्गन जो वो कॉन्ट्रीब्यूट है ह्यूमनिटी के सपोर्ट कर या इंसानियत की गाल कर, तो को अड़ो जो कलाम को गीत थी वे तुराब साईं जी काफी है, तुराब साईं जी काफी, वाह जी वाह वाह, बिस्मिल्लाहु थी वने। हाशिम साहब अवां जी सपोर्ट खपनी। हेलो
रांझे नाल प्रीत लगायम हो तिमे को रांझण लभया नाही रब मिलया ते रांझा न मिलया रब रांझण माहियो तेरे लगियां दिलियां नाल राधने तेरे लगियां दिलियां हो इश्क दा कलमा भर बैठे असहां सिर दा सौदा करे बैठे असहां सिर दा सौदा करे बैठे हो नाल माहियो तेरे लगियां दिलियां नाल राधने तेरे लगियां दिलियां हो इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे काबा रांझा किबला रांझा काबा रांझा किबला मालिक मैदा मजिया वाला सजदा कीता दिल रांझे नू सजदा कीता दिल रांझे नू असां सिर कदमा ते धर बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे हो नाल माहियो तेरे लगियां दिलियां नाल रांझणी तेरे लगियां दिलियां हो इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे बेला रांझे दा बेश तो भले रा बेला रांझे दा बेश तो भले रा होया सवाया भक्त है मेरा क्या करे सी तो जख मेनू क्या करे सी तो जख मेनू असां यार ते तो कल कर बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे हो नाल माहियो तेरे लगियां दिलियां नाल रांझणे तेरे लगियां दिलियां हो इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे जिवें लिखिया किस्मत कीता जिवें
लिखिया किस्मत कीता इश्क पियाला मैं भर पीता इश्क पियाला मैं भर पीता रंग लगाया रांझे मैनू रंग लगाया रांझे मैनू थिया कुरब तुरा भले घर बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे असां सिर दा सौदा करे बैठे हो नाल माहियो तेरे लगियां दिलियां नाल रांझणी तेरे लगियां दिलियां ओ इश्क दा कलमा भर बैठे असां सिर दा सौदा करे 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 बैठे वाह वाह लाजवाब तुराब साईं जो कलाम ऐं हीउ कलाम मूंखे ॾाढो ज़ाती तौर ते पसंदि आहे मूंखे बि ॾाढो वणंदो आहे सची ॻाल्हि लाजवाब शाइरी आहे माना मन में लहंदड़ शाइरी आहे सो माशाल्लाह तमामु बहितरीन वरी इलाही सुठे नमूने मां निभायो बि हिन कलाम खे ऐं हुन पासे ॾे इश्फाक साहिबु बि मौजूदु आहे जेको शाइर आहे पर छा आहे त ॻाल्हाइणु खपे रहियो मां चाहियां त ब्रेक वठिजे ब्रेक खां पोइ वरी ॻाल्हि ॿोल्हि ॾिसजे की असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं व्यूवर्स ॾिसंदा रहिजो आवाज़ टीवी जी व्यूवर्स वरी मां सभिनी खे भलीकार चवां थी सुबुह जे आवाज़ में इश्फाक साहिब सां अञा ॻाल्हाइण वारी हुयसि ख़बर पई त साही जो वक़्तु अची वियो आहे त पोइ भला को ॿी का शाइरी जेका ॿुधाइणु चाहियो ॻाल्हि हले पई मैडम इश्क जी हा त इश्क में इश्क जा त क़िस्म आहिनि घणा इश्क रुहानी आहे इश्क हक़ीक़ी आहे इश्क मिजाज़ी आहे त उन हवाले सां इश्क को बि थी सघे थो ज़रूरी आहे पर इश्क हिकु आहे बाक़ी मुहबत प्यार पसंदि इहे शयूं थी सघंदियूं बिल्कुलु सिर्फ़ु हुते थो वञे बिल्कुलु पर शुरूआति इश्क मिजाज़ी खां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई मजाज़ी फ़लसफ़ो आहे हा थी वियो उन हिसाब सां इश्क में जेका हालति थिए थी माण्हू जी उहो कुझु अॼुकल्ह हर मर्ज़ जी दवा आहे नांग खाई थो वञे त बि उनजी वैक्सीन आयर शइ त उनजी दवा थिए थी पर इश्क जी दवा काई कान्हे का वाह माना पहिरियों तव्हां इहे ख़तरे वारियूं ॻाल्हियूं था ॿुधायो भला को शाइरी ॿुधायो त ईअं आथत मिले बाक़ीनि खे ठीकु आहे थी वञे खाधो नांग जो यार बची वेंदो पर इश्क जो ॾंग ॾुखियो आहे तोड़े खान हुजी पंहिंजे पर में जे फाथे इश्क अखर में पोइ दीद हूंदी तुंहिंजी दर में कोन चैन ईंदई पंहिंजे घर में ॿारहो ई हूंदे हशर में पंहिंजे यार जे प्यारा ज़िक्र में ख़ुशी रास न ईंदई उमिरि में ॼण जीअरे हूंदे क़बर में हिन इश्क खां को बि बचो न आहे हिन इश्क जो ॾंग ॾुखियो आहे इश्क पीर ऐं मीर झुकाया रांझे जहिड़ा जवान पिनाया इश्फाक तोखे सम्झाया कम इश्क जा यार ॿुधाया न थई लफ़्ज़ पहार अजाया जेके सूर हिसे में थी आया पोइ हूंदी इहा ई तुंहिंजी माया ॾींदे इश्क ई सूर सवाया इश्क जो मज़हब सुहिणो हूंदो न आहे हिन इश्क जो ॾंग ॾुखियो आहे वाह वाह तमामु सुठो नज़म जी नज़म ते माशाल्लाह तबाज़ मई कई ऐं सुठो ख़्यालु तमामु सुठो ख़्यालु सो बहरहाल इश्क खे मापण जा वरी हर कंहिंजा पंहिंजा पंहिंजा नज़रिया आहिनि बहरहाल इलाही सुठे नमूने तव्हां हुनखे एक्सप्लेन कयो आहे डॉक्टर आशिक तव्हां सिर्फ़ु ॻायो ई था या भला शाइरी ते बि कुझु मणी नज़र विधी अथव न न शायरी मूंखे न ईंदी आहे सोचो न आहे कॾहिं पढ़ंदा आहियूं बाक़ी माना करण जो न सोचो सो हाणे म्यूज़िक में भला छा प्लेनिंग आहे फ्यूचर में को अञा वधीक कमु करण जो इरादो आहे म्यूज़िक फील्ड में या हा असुल में मूंखे उस्ताद चवंदो आहे सची ॻाल्हि मूंखे चवंदो आहे तोखे जेको चैनल ते ॻाइण जो जेॾो शौक़ु आहे न एॾो सिखण जो गवियो हुजे टाइम नथा ॾियो केरु आहे न उस्ताद अब्दुल गफ़ूर सुमरो मुंहिंजो उस्तादु गफ़ूर सुमरो साहिबु छ
सके पो इन जे करे टाइम कोन था कढी सके ये डाडो मुश्किल कम आए बस त बिल्कुल सही त जो त म्यूजिक जगह न वा टाइम वठंदर फील्ड आ है एंड ता टाइम न दिंदो त ये म्यूजिक ता के कदी कोन अपनाईंदी पर चाहे त सुठा बुधण वारा सुठा गाणा वारा बुधंदा आई न दिल चवंदी आ गायूं न असा छुठा गायूं सही पर हाँ शौक जो वरी को मुल भी कोन आहे ए शौक जे आडो भी वरी इंसान मजबूर आहे जेश के जाडो मजबूर आहे ये शौक जे आडो भी आहे बहरहाल सही आहे इंसान के वरी थोरो एंटरटेनमेंट जे लाए भी कुछ शेम रखण खपन ना जरूरी आहे जिंदगी में तो पोए कलाम मुझे ख्याल में थी वने है ना वरी जिंदगी जे फल्सफन दे विंदासी तो पो वरी ले एकते निकरी विंदासी नगर मचाए पे ठीक आहे वो वने खिदमत में थी वने हो तू मुझो सनम माही मां तुझो सनम माया तू मुझो जनम माही मां तुझो जनम माया तू मुझो सनम माही है मां तुझो सनम आया तू मुझो सनम आही है मां तुझो सनम आया तू मुझो जनम आही मां तुझो जनम तुझो जनम माही मां तुझो जनम माया तू मुझो सनम माही है मां तुझो सनम माया तू मुझो जनम माही मां तुझो जनम माया तू मुझो जनम माही मां तुझो जनम वाट बिनी जिया एक राह वफा है एक वाट बिनी जिया एक राह वफा आहे तू मुझो कदम माही मां तुझो कदम पांजे हथने सा बए तक तेर लिखूं पहुंचे अज पांजे हथने सा बए तक तेर लिखूं पहुंचे तू मुझो कलम माही मां तुझो कलम जो कलम माही मां तुझो कलम
जा दिल युन में दफनवा है ये राजा मोहब्बत जा दिल युन में दफनवा है तू मुझो भरम माही माँ तुझो भरम माया जो सनम माही माँ तुझो सनम माया अजो वायदो कयूं कौसर भिट शाह जे नंगरीअ में अॼु वाइदो कयूं कौसर भिट शाह जे नंगरीअ में तूं मुंहिंजो धर्म माही मां तुंहिंजो धर्म जो धर्म माही माँ तुझो धर्म माया मुझो सनम माही है माँ तुझो सनम माया तू मुझो जनम माही माँ तुझो जनम माया तू मुझो जनम माही माँ तुझो जनम जनम माही माँ तुझो जनम माया वाह वाह तमाम बेहतरीन तू मुझो जनम माही माँ तुझो जनम आया कौसर बुढ़े जी शायरी है तां जो माशाल्लाह मिठड़ो आवाज़ सर कैसा लगा आपको बहुत ज़बरदस्त की आवाज़ भी अच्छी है और शायरी तो बहुत ही अच्छी है क्या बात है जी जी वैसे आप म्यूज़िक सुनते हैं जी म्यूज़िक सुनता हूँ लेकिन हम क्योंकि हमारे अपने भी मजहबी गीत होते हैं हाँ हाँ तो वो ज़्यादातर वही सुनते हैं और वो तो एक इन्वायरमेंट ही अलग होता है जब चर्च में मजहबी गीत गाए जाते हैं तो क्या कहने क्योंकि हर मजहब की फिर अपनी खूबसूरतियाँ भी हैं कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखते ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं तो बहरहाल मजहब पर तो हमारी बातचीत हो रही थी लेकिन मैं समझती हूँ कि यूथ पर अब हमें बात करनी चाहिए कि यूथ में आप किस तरह के नज़रियात को परवान चढ़ते देख रहे हैं और उसके असबाब क्या हैं एक्चुअली यूथ जो है ये अभी आजकल बड़ा लम्हा फिक्री है ओके क्योंकि जिस तरह का जदीद दौर है ये एक आखिरी दौर है नबियों की पेशन गोइयों के मुताबिक हम एक आखिरी द्वार में गुजर रहे हैं और जो हमारी यूथ है ये मज़हब से जो है वो पीछे हट रही है जनरेशन गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है बहुत ज़्यादा ठीक है आप सोशल मीडिया पे देख लें आप तो बच्चे जो हमारे वो हैं वो मोबाइल को खेलने की कोशिश करते हैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते तो हमारा जो यूथ सेक्टर है ना वो दर हकीकत कुछ चीज़ों से हट के जो है ना वो ऐसी चीज़ों की तरफ आ गया है जो सीखने वाली नहीं है सही यानी कि जो इतनी ज़रूरी भी ज़रूरी भी नहीं है अब फेसबुक पे आप घंटों घंटे अगर गुजार देते हैं तो इट्स मीन यू आर किल योर लाइफ ठीक है आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं अब कई लोग जो हैं उन्होंने फेसबुक को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया है दूसरी चीज़ों को सोशल मीडिया को और उसी पे वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दर हकीकत वो एक हकीकी लाइफ से जो है वो दूसरी लाइफ को गुजारने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हमें जो है मज़हब के मुताबिक जो है अगर हम अमल करें उनको फॉलो करें तो हम ना सिर्फ हकीकी तौर पर अपने मज़हब को रिप्रेजेंटिंग करेंगे बल्कि बतौर एक इंसान हम एक अच्छा रोल जो है वो मुआशरे में अदा करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आपने सही कहा और हमें लगता है कि हम इंकलाब जो है वो फेसबुक पे बैठ के ही ला सकते हैं मतलब हम कुछ लिखेंगे तो फौरन से इनकलाब आ जाएगा हाँ जी प्रैक्टिकली ये यूथ कुछ भी करना नहीं चाहती या हज़ारों इबादत ना करने के 100 बहाने हमारे पास होते हैं कि जी बस टाइम नहीं मिला ये नहीं था वो नहीं था और
अकीदे हमारे मजबूत हैं नहीं किसी भी चीज़ के मामले में, या हमारे जो नज़रियात हैं वो बहुत ही कच्चे हैं, आपको क्या लगता है कि एक नज़रिए के तहत हर इंसान चलता है, लेकिन मुझे लगता है कि यूथ के जो नज़रियात हैं वो डाइवर्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअली जो यूथ है ये कुछ चीज़ों को फॉलो कर रही है, जैसे मैं अपने बच्चों को हो सकता है कि मैं डांट डपट के उनको फॉलो करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपने पढ़ना है, तो वो अपनी दिलचस्पी से नहीं पढ़ रहे, बल्कि वो मेरे खौफ की वजह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जबकि अगर उनकी अपनी दिलचस्पी है तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, बिल्कुल सही। जबकि वो सिर्फ एक महदूद वक्त में, अगर मैं घर पे हूँ तो मेरे सामने हो सकता है कि पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो दर हकीकत ये एक अदाकारी भी कह लें जो आजकल की यूथ कर रही है बड़ों के साथ और अपनी फैमिलीज के साथ, ठीक है। लेकिन वो ज़्यादा टाइम जो है वो दूसरी, यानी कि सोशल मीडिया को, दूसरी चीज़ों, तीसरी चीज़ों को दे रही है। और जो सोशल मीडिया है ये एक्चुअली शैतान का एक हथियार भी है। ट्रू सर, इस पर हम तफसीलन बात करते हैं। ये जो आपने एक मुद्दा छेड़ा है, मैं समझती हूँ कि इसको डीपली डिस्कस हमें करना चाहिए, लेकिन ब्रेक का टाइम है। सो व्यूवर्स, ब्रेक ना वधंदासीं, ब्रेक खां पोइ वरी सोशल मीडिया जे असरन ते कुझु ॻाल्हाईंदासीं, मिलूं था ब्रेक खां पोइ। जी व्यूवर्स, वरी मां सभिनी खे भलीकार चवां थी। ऐं साहित्य वञण खां पहिरियों असांजी ॻाल्हि ॿोल हले पई कुझु सोशल मीडिया, ऐं सोशल मीडिया ते जेको असां पंहिंजे पाण खे दानिशवर सम्झी वेठा आहियूं, ऐं मूंखे त कॾहिं कॾहिं कुझु माण्हुनि जा ख़्यालु पढ़ी करे ईअं लॻंदो आहे ॼण हिननि खां वधीक फ़लसफ़ा शायदि कंहिं वटि हुजनि, ऐं जॾहिं प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हनि खे ॾिसंदी आहियां त पोइ मां हैरत जी उन इंतिहा ते हूंदी आहियां त लिखनि छा था, समाज खे ॿुधाइनि छा था, ऐं प्रैक्टिकल जेका हुननि जी लाइफ आहे उहा छा आहे। त हाणे असां पंहिंजे चहिरनि ते हिकिड़ो ॿियो खोल चाढ़े छॾियो, यानी कि हिकिड़ो मास्क आहे जंहिंजे हेठां असां रहूं था, ऐं ख़बर ई नथी पए त अॼुकल्ह सही कहिड़ा आहे, ग़लति कहिड़ा आहे, छो त सोशल मीडिया खे असां सभु कुझु सम्झी वेठा आहियूं। ॻाल्हि ॿोल एक्चुअली सोशल मीडिया ते हले पई, पर छा आहे त ब्रेक विच में अची वई, बिशप खादिम भुट्टो साहिबु मौजूदु आहे। सही आहे, सोशल मीडिया का जो बॉम्ब गिरा है नौजवानों के ऊपर, आप क्या समझते हैं इसने कितना बिगाड़ पैदा किया है और यूथ को कितना डिस्ट्रॉय किया है? एक्चुअली सोशल मीडिया जो जहाँ तक एक आसानी का ज़रिया है, वहाँ तक ये बुराई का भी ज़रिया है। बुराई का भी ज़रिया है। अब पूरी दुनिया को देख लें, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को देख लें तो यूथ इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है। आप किसी भी फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख लें तो जो सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं वो यूथ वाले लोग, यूथ है, नौजवान है, नौजवान लोग हैं, उसमें लड़के लड़कियाँ। फिर आपका जो टिकटॉक आ गया, उसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। और ऐसी ऐसी, यानी कि हमारी खवातीन जो है, नौजवान लड़के लड़कियाँ, इवन के जो मौलाना साहब है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गए। तो टिकटॉक ने तो समझे कि आकर तबाही का धाने पे, यानी कि हाथ रख दिया है बिल्कुल। और हमें ऐसी ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही है टिकटॉक पे कि वो दिल करता है कि भाई इसको रोका जाए। अब क्योंकि लोगों की दिलचस्पी जो है, लोग स्टार कहाँ से बन रहे हैं, पहले टीवी चैनल्स को इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं कि आसानी का ज़रिया है, जबकि ये एक शैतान का हथियार है, ठीक है। वो बच्चियाँ जो हमारी कुरान मजीद या बाइबल या दूसरी जो मज़ाहब को अमली तौर पर नहीं रिप्रेजेंट कर रही, वो इस ज़रिए से जो है वो गानों पे या दूसरी चीज़ों पे टिकटॉक के ज़रिए से अपने आप को शो अप करने की कोशिश करती हैं, और वो भी खाली दुनियों में, यानी कि अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें बहैसियत एक फैमिली या मुआशरे में इस चीज़ की जो है सेमिनार्स, अवेयरनेस देनी चाहिए कि जहाँ तक आपको फ़ायदे की बात है तो वो तो ज़रूर करें आप, लेकिन सिर्फ नुकसान की तरफ जाना जो है ये हमारी यूथ की तबाही है। जी सर, बल्कि देखें टीवी पर एक हदबंदी है, जी जी, कुछ पाबंदियां हैं और कुछ चीज़ें पैमरा के कुछ रूल्स हैं कि जी आप इनसे बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लिबास का ख्याल रखा जाता है, बहुत सारे मामलात हैं जिन पर एक सेंसरशिप है, लेकिन टिकटॉक पर और काफ़ी मैंने ऐसे ऐप्स देखे हैं जिन पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपलोड कर सकते हैं,
चाहे वो किसी मज़हब के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, किसी इंसान के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, या वो चीज़ें जो कि शायद बात करते हुए भी हम बड़ा हिचकिचा रहे हैं, वो चीज़ें भी ओपनली वो डिस्कस हो रही हैं टिकटॉक पर, वो शॉर्ट वीडियो में जाने क्या क्या कुछ हो गया है। तो आई थिंक वाकई ये एक तबाही है, ये तबाही है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कर रहे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बर हकीकत जो है वो उनका टारगेट जो है हम लोग नहीं, उनका टारगेट ही यूथ है। और यूथ को अगर देख लें तो उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी दिलचस्पी जो है वो इन्हीं बातों में है। बिल्कुल, अब तो बच्चे सर इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, जो ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है जी जी वो तो किसी सूरत में काबिल कबूल है ही नहीं इस माशरे के लिए, स्पेशली अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो। लेकिन वो चीज़ें हम सुन रहे हैं अपने घरों में, वो चीज़ें हम देख रहे हैं अपने यूथ के अंदर, तो इसीलिए भाई ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि भी हमें अपने जो बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल मसलक से हैं, उन्हें अवेयरनेस देनी चाहिए कि आप अगर इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो दर हकीकत ये एक हकीकी दुनिया नहीं है, नहीं है, फैंटेसी, ये एक ख्याली दुनिया है। और जब आप जैसे एक लड़की है या लड़का है, उसकी जब शादी हुई तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाता है, ठीक है, तो पहले वो ख्याली दुनिया में था, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएगा तो वो एक बिगाड़ पैदा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब यूथ में बहुत सारे जो बच्चे बच्चियां जिनकी शादियां हो रही हैं, उनकी तलाकें भी बड़ी जल्दी हो रही हैं। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, वो ज़्यादा यानी कि चलने की कोशिश ही नहीं हो रही, बड़ी ज़्यादा 6 महीने साल 2 साल बाद जो है वो तलाक, बड़े केसेस हमने देखे हैं और हमारे पास आते रहते हैं ऐसे मसाइल। वजह क्या है कि हम एक ख्याली दुनिया से जब हकीकी दुनिया में आते हैं तो वो चीज़ें जिनको हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तोक्का कर रहे होते हैं, जब हमें हकीकी दुनिया में नहीं मिलती तो फिर वो बिगाड़ पैदा हो जाता है। फिर वो कि कोई लड़का कहता है जी मैंने इसके साथ नहीं रहना, लड़की कहती है जी मैंने इसके साथ नहीं रहना, और फिर ये तलाक तक बात आ जाती है और ये जिंदगियां तबाह हो रही हैं इससे। बिल्कुल आपने सही कहा। और आजकल तलाक की जो शरह है वो इस वजह से बहुत ज्यादा जी बहुत बढ़ गई है पाकिस्तान में, तो बहुत इवन शादी करने की भी शरह बढ़ गई है फेसबुक से और टिकटॉक से, लोगों की दोस्तियां हो गई है, लेकिन वो शादियां चलती भी नहीं है। और फिर वो शादियां जो है वो बस चंद महीनों तक महदूद है, और जो माँ बाप सोचता है अपने बच्चों के लिए वो बुरा नहीं सोचता है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपका सबसे बेहतरीन इंतखाब जो है वो आपकी फैमिली कर सकती है, फैमिली करती है, आपका माँ बाप कर सकता है, क्योंकि वो कभी आपके लिए बुरा नहीं सोचेगा, कभी आपको किसी गलत राह पे चलने की जो है वो तलकीन नहीं करेगा, एडवाइस नहीं करेगा, बल्कि आपको अच्छा वे देने की कोशिश करेगा। क्या है कि हम लोग, हमारी जो मेजोरिटी जो यूथ है ना, वो टिकटॉक वाले ख्वाब देख के पागल हो गई है, मैं सिंपली कहूँ तो, और क्योंकि इससे बेहतर कोई लफ्ज मुझे मिला नहीं कि मैं उनकी मेंटेलिटी को एक्सप्लेन कर सकूं, तो उनको लगता है कि ये पागलपन ही ज़िंदगी है और ये बेवकूफ़ियाँ जो हम ज़िंदगी में कर रहे हैं यही ज़िंदगी है। लेकिन लग पता जाता है जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है और जब फिर अपनी औलाद की तरबियत करनी होती है जी। और वो बच्चे जब आईना दिखाते हैं ना तो वो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, और हालांकि हम भूल जाते हैं कि वही आईना माँ बाप को हम दिखा चुके हैं। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अपने बच्चे की जो तरबियत है इस तरह से कर कि वो बूढ़ा होने तक भी याद रहे ठीक है। अब हम बच्चे को जो सिखाते हैं वो बाहर जाके वो भूल जाता है, मोबाइल उसके पास है, वो उसी को सब कुछ समझता है। सर अब वो माँ बाप भी एडवांस हो गए ना जी, माँ बाप भी एडवांस हो गए, बच्चे से जान छुड़ाने के चक्कर में आप 4 साल के बच्चे को मोबाइल दे देते हैं कि चलो भाई हमारी जान छुटी रहेगी। आप उस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी दीन की किताब उठा के देखेगा, वो आपकी कोई घर पे पड़ी किताब उठा के देखेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरे ख्याल से कि हम खुद ये चीज़ें जनरेट कर रहे हैं। अब इसमें कोई यूथ को मैं डायरेक्टली ब्लेम भी नहीं करूंगी कि यूथ का कसूर है, नहीं, उसमें हमारा भी रोल है, माँ बाप का भी, हमारा भी रोल है। सही, क्योंकि जनरेशन गैप जहाँ पे पैदा होता है ना तो वो यही है। जब मैं अपने बेटे या बेटी को अपनी कुर्बत नहीं दूंगा, उसे प्यार मोहब्बत से मोहब्बत नहीं मिलेगी तो वो जो गैप है वो दूसरों की से उनको मिलना शुरू हो जाएगा। वो हो सकता है कि उसका मोबाइल हो या उसकी जो सामाजिक एक्टिविटीज़ हैं वो हो, उसकी दोस्त यार हो, और वो वहाँ से उसको लेने की कोशिश करता है। लेकिन जब आपको फैमिली ही से सब कुछ चीज़ें मिलेंगी, आपको जनरेशन गैप वहाँ पे नहीं मिलेगा, प्यार मोहब्बत माँ बाप से मिलेगा, और एक उनसे जो है वो दूसरे से जो है आपको पाने की ख्वाहिश नहीं होगी, तो मेरे ख्याल में कभी भी आप जो है बुराई की तरफ नहीं जा सकते। देखिए जिस चीज़ की किल्लत होती है इंसान वो ढूंढने बाहर निकलता है। जी जी ठीक है। अब जिस चीज़ की किल्लत नहीं होगी आपके घर में, वो अवेलेबल होगी तो आप वो लेने भी नहीं जाएंगे, लेने भी नहीं जाएंगे। तो अब अगर ये यूथ बाहर सहारे तलाश कर रही है तो इट मींस कि घर पे वो सहारा मिल ही नहीं रहा, वो मिलने वो चीज घर पे वो अटेंशन वो मोहब्बत आपके पास है ही नहीं, तो डेफिनेटली आप खोखले सहारों को सच समझ बैठते हैं, और आजकल यूथ का प्रॉब्लम ये है। बहरहाल सर थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए,
बहुत अच्छी आपसे गुफ्तगू रही और आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आशिक राज पर वरी महरबानी अमां जी ले सुठा गीत सुठा कलाम अमां बुधाए माशाल्लाह वरी महरबानी जो अमां भी ते कही आयो आशिम साहब थैंक यू सो मच जो अमां भी हमेशा जे आज भी मौजूद रहा एंड में तांके एकड़ो कलाम बुधना से ठीक है आई व्यूअर्स उम्मीद कया थी त अजु को प्रोग्राम अमां के पसंद आयो हुंदो सडे प्रोग्राम जो जगे मां नतीजो कढा त गाल इलाही सादी आए गाल है सिर्फ इंसानियत बियो कुछ भी कोन आए इंसानियत आहे त पो दीन बि आहे धर्म बि आहे अल्लाह बि आहे ऐं जेकॾहिं इंसानियत न आहे त पोइ जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि अक़ीदे जी ॻाल्हि कयो था त उहो अक़ीदो खोखलो थी सघे थो पर उहो अक़ीदो पुख़्ता नथो थी सघे इन करे प्लीज़ इंसान ठहो इंसान ठहंदो त पोइ तव्हांखे सभु शइ सम्झ में अची वेंदी दीन बि सम्झ में अची वेंदो धर्म बि सम्झ में अची वेंदो ऐं बाक़ी जेके मखलूक जा जेके राइट्स आहिनि उहे बि सम्झ में अची वेंदा पर जेकॾहिं इंसान नथा ठहूं असां त पोइ यकीन कयो बाक़ी समूरियूं ॻाल्हियूं बेमाइने आहिनि बेमक़सदु आहिनि हयाती बख़ैर सुभाणे मां सभिनी सां वरी मुलाक़ात थींदी पंहिंजो ख़्यालु रखिजो अलाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर ओ सिर लॻे सोणे सजण सां सिर लॻे सिर लॻे सोणे सजण सां सिर लॻे हो दिलि जे दिलि पर मन जे मन सां सिर लॻे दिलि जे दिलि पर मन जे मन सां सिर लॻे सिर लॻे सोणे सजण सां सिर लॻे सिर लॻे सोणे सजण सां सिर लॻे वार खोड़े मुंह मथा जे छांव कई वार छोड़े मुंह मथा जे छांव कई वार छोड़े मुंह मथा जे छांव कई हो वार छोड़े वारन आईं वरन सां सिर लॻे पिन जे वारन आईं वरन सां सिर लॻे हो दिलि जे दिलि पर मन जे मन सां सिर लॻे दिलि जे दिलि पर मन जे मन सां सिर लॻे लॻे सोणे सजण सां सिर लॻे सिर लॻे सोणे सजण सां सिर लॻे जिता भी मोर जा आयो वयो 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 पिन दगने आई पे चरन सां सिर लॻे पिन दगने आई पे चरन सां सिर लॻे
ओ दिल जे दिल पर मन जे मन सांसर लगे दिल जे दिल पर मन जे मन सांसर लगे सिर लगे सोने सजन सांसर लगे सिर लगे सोने सजन सांसर लगे यारो आमद हो शमो जो सांवरो यारो आमद हो शमो जो सांवरो यारो आमद हो शमो जो सांवरो हो यारो आमद करे कुल सांवरन सांसर लगे कहीं करे कुल सांवरन सांसर लगे ओ दिल जे दिल पर मन जे मन सांसर लगे दिल जे दिल पर मन जे मन सांसर लगे लगे सोने सजन सांसर लगे सिर लगे सोने सजन सांसर लगे सिर लगे सोने सजन सांसर लगे नजर जी गाल ज़ुबान सा कजे त कीअं कजे इहा ई ॻाल्हि जहान सां कजे त कीअं कजे हीउ ज़ुल्म आहे हीउ ज़ुल्म आहे असां सां अव्हां जे महफ़िल में अव्हां जी ॻाल्हि अव्हां सां कजे त कीअं कजे अस्सलामु अलैकुम हक़ मौजूद मां आहियां शा